तो सही मायनों में उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा, सिर्फ उप मुख्यमंत्री बदले हैं, ना सरकार बदली, ना मुख्यमंत्री बदले, ना इनकी नीतियां बदली। 2015 में जब सरकार बदली, क्या वो प्रदेश के विकास के लिए बदली थी? नहीं ना, वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बदली थी। तो 2015 में भी इस सरकार का एजेंडा वही था, 7 निश्चय। 17 में भी सरकार का एजेंडा वही था, 7 निश्चय। 22 में भी सरकार का एजेंडा वही है, 7 निश्चय। देश भर में आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान आज भी वही मूड में नजर आए हैं जिस तरीके से नजर आते हैं। बिहार में सत्ता बदली है, महागठबंधन की सरकार बन गई है और चिराग पासवान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूछा है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए सरकार बनी है। पहले भी जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ गए थे तो उन्होंने व्यक्तिगत विशेष काम के लिए ही किया था। क्या इससे बिहार के लोगों का विकास हुआ है? क्या बिहार की विकास की नीतियों के लिए नीतीश कुमार इनके साथ गए हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बदली गई है। आप मुझे बताइए कि 2015 से जब सरकार बदली, पीछे हटी ना भैया, में जब सरकार बदली, क्या वो प्रदेश के विकास के लिए बदली थी? नहीं ना, वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बदली थी। 2017 में जब एक नई सरकार बदली, जब महागठबंधन से एनडीए की, किस लिए बदली? महत्वाकांक्षाओं के लिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए। और 2022 में पुनः व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए। इसमें मुझे बिहार का हित बताइए, नई सरकार में बिहार का क्या हित है? या बिहार के विकास के कोई कार्य रुके हुए थे जिसकी वजह से ये नई सरकार बनी? हकीकत है ये महत्वाकांक्षाओं के लिए। 2015 में भी इस सरकार का एजेंडा वही था, 7 निश्चय। 17 में भी सरकार का एजेंडा वही था, 7 निश्चय। 22 में भी सरकार का एजेंडा वही है, 7 निश्चय। तो सरकारें बदली, इन सरकारों में जब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया तो सही मायनों में उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा, सिर्फ उप मुख्यमंत्री बदले हैं, ना सरकार बदली, ना मुख्यमंत्री बदले, ना इनकी नीतियां बदली। सरकार तब भी गलत नीतियों पे काम कर रही थी, आज भी गलत नीतियों पे काम कर रही है। परिणाम स्वरूप बिहार का विकास एक लंबे समय से रुका हुआ है। आज जो सरकार में जितने लोग बैठे हैं, पिछले 30-32 साल से, 90 के दशक से यही लोग बिहार को के ऊपर राज कर रहे हैं, यही लोग सरकार में हैं। तो जब इन 30-32 सालों में कुछ नहीं बदला है, तो आने वाले समय में इन लोगों से क्या बदलेगा? निराशा ही हासिल हुई है जब जब ये लोग सरकार में। चिराग पासवान को सुना, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी अपने बातों को रखने में पीछे नहीं हटे। उन्होंने ये भी कह दिया कि विकास की नीतियों पर काम करना बेहद जरूरी है और जिस 7 निश्चय की बात पिछले भी सत्र में करते रहे थे जब एनडीए के साथ थे और अब भी उनके साथ हैं महागठबंधन के साथ, तो वही नीतियों के साथ नीतीश कुमार चल रहे हैं। तो ऐसे में स्वतंत्रता दिवस तो है लेकिन बिहार वासियों के लिए एक जो सिद्धांत नीतियां हैं, विकास की नीतियां हैं, उन नीतियों पर सरकार को काम करने की ठोस जरूरत है। हम आपको लगातार खबरों से मिलाते हैं, आप बने रहें NBC 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।